क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो इसका लाभ बहुत मिलेगा। ये उतना ही लाभ है जैसे कि कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल कर रहे और एक किसी झोला छाप के पास बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो किसकी ज्यादा वैल्यू है? उसी तरह जो प्रमाणिक संप्रदाय है भक्ति के, उन्हीं संप्रदाय से व्यक्ति को नाम सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कथा भी उन्हीं से सुननी चाहिए। क्योंकि जो अप्रमाणिक स्रोत हैं, श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि जो लोग अप्रमाणिक स्रोत से कृष्ण कथा सुनते हैं वो ठीक वैसा ही है जैसे दूध तो पवित्र होता है लेकिन उस दूध में अगर कोई सांप अपना मुंह मार दे तो वो भी विष का काम करता है। आजकल टीवी सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन पहले चेक करना चाहिए प्रमाणिक है कि नहीं।